हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यासपीठ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू फाइंड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम टैक्स में जब भी हम किसी हेड से इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक उसका फिक्स फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम सैलरी का देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर, जो भी एसएससी का नाम होता है वो, फॉर असेसमेंट ईयर 21 एंड 22। ऐसा एक फिक्स फॉर्मेट होगा जिसमें हम सैलरी की इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। यहां सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसका मूल वेतन कितना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब यहां एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्या हमें डायरेक्ट बेसिक सैलरी दे रखी है या हमें ग्रेड गिवन है। अगर सैलरी ग्रेड दिया हुआ है तो उस हिसाब से हम उसकी ग्रेड के अकॉर्डिंग 2021 में कितनी सैलरी, बेसिक सैलरी बनती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। देन बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे में क्या डिफरेंस होता है? डियरनेस अलाउंस हमें देखना होता है कि जब भी अदर सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग एचआरए और रेंट फ्री हाउस, जब भी हमें अदर सैलरी की कैलकुलेशन करनी होती है, यहां हमेशा डियरनेस अलाउंस 100% ऐड होगा, इनकम में जुड़ेगा क्योंकि वो टैक्सेबल अलाउंस होता है। और डियरनेस अलाउंस हो चाहे डियरनेस पे हो, उसको यहां जोड़ना ही जोड़ना है। बट अदर जब हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो रेंट फ्री हाउस निकालना हो, चाहे वो हमें हाउस रेंट अलाउंस निकालना हो, तो हम अगर अलाउंस होता है तो देखना है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, और अगर पे होता है मींस वो हमेशा ही अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। इसके बाद अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, जो भी हमें क्वेश्चंस के बारे में दिया हुआ है, इन अलाउंसेस का ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस जो होते हैं वो टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, कौन से पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। जितने भी टैक्सेबल अलाउंस होते हैं, जो फुल्ली अलाउंसेस होते हैं वो तो आएंगे ही, और जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जितने भी टैक्सेबल और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस होंगे उनको हम यहां ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, जितनी भी एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दी हैं और जो टैक्सेबल होती हैं, चाहे वो रेंट फ्री हाउस हो, चाहे वो मोटर कार की फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटी हो, चाहे वो फ्री यूज ऑफ एसेट्स हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स हो, चाहे गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डनर, स्वीपर, सर्वेंट, वॉचमैन, किसी भी तरह की टैक्सेबल परक्यूजिट्स जो होती हैं, जिनकी वैल्यू करके हम यहां पर उसको ऐड करेंगे इनकम के अंदर। के बाद आता है फ्रिंज बेनिफिट्स। इन सब के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स के वीडियो बना रखे हैं मैंने, तो आप उनको देख सकते हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको चेक कर लें कि कैसे इनको वैल्यू की जाती है। फ्रिंज बेनिफिट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, ये इंपॉर्टेंट है, और कितना परसेंट? 12% ऑफ सैलरी। 12% से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में, तो वो यहां इनकम में एड होगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। 9.5% से ज्यादा जितना भी इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्सेबल होगा, और यहां पर हम उसको ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है और उसको कितना इंटरेस्ट मिला है। 9.5% इंटरेस्ट और 12% आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन, ये हमें याद रखना है।
जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारी आती है ग्रॉस सैलरी, सकल वेतन। अब इस ग्रॉस सैलरी में से हम क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे, लेस डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। इसमें सबसे पहला जो डिडक्शन होगा वो होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स है 50,000। ये 50,000 का डिडक्शन आपको हर एम्प्लॉय को देना ही देना है जब हम उसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ही टैक्स इसको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये फुली टैक्सेबल अलाउंस है और यहां अलाउंसेस में उसको ऐड किया जाएगा। और लास्टली जो होगा वो होगा प्रोफेशनल टैक्स, अगर एम्प्लॉयर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करता है उसको भी यहां क्या दिया जाएगा, डिडक्शन दिया जाएगा, जिसका मैक्सिमम अमाउंट होता है 2,500। जब हम ग्रॉस सैलरी में से इन तीन डिडक्शन को दे देंगे, 50,000 तो फिक्स है देना ही है, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और प्रोफेशनल टैक्स अगर उसने पे किया है क्वेश्चन में गिवन है तो हम प्रोफेशनल टैक्स का भी क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। अब जो सैलरी आएगी उसकी, उस सैलरी को हम कहते हैं टैक्सेबल सैलरी। और इस प्रकार इस तरह से हम एक एम्प्लॉय की, एक एसएससी की सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर बोनस कमीशन जो टैक्सेबल होता है, डियरनेस अलाउंस, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12%। अभी इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मैंने ऐड नहीं किए हैं, वो ऐड करना अभी बाकी है, जैसे पेंशंस है, कम्यूटेड पेंशन है, अर्न लीव सैलरी है, और कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट है, ग्रेच्युटी है, वो भी अपन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी फिलहाल जो अपन ने पढ़ा है जब पिछले लास्ट लेक्चर्स के अंदर, उसमें अगर हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है तो ये उसका फॉर्मेट रहेगा। किसी भी हेड से जब हम इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, ये फिक्स फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में किया जाएगा। ऊपर नाम चेंज होता जाएगा, इनकम चेंज होती जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, ऐसे हर हेड को चेंज करते जाएंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको इसी फॉर्मेट में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।